एक नया इशू लोगों के सामने आ रहा है। इशू क्या है कि जो फेसबुक मार्केट प्लेस होता है वो लोगों का ब्लॉक हो रहा है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आपके मन में भी कुछ ना कुछ डाउट होगा। लोग पूछ रहे हैं कि पहली चीज़ तो ये ब्लॉक क्यों हो रहा है, दूसरी चीज़ अगर ब्लॉक हो गया है तो उसे अनब्लॉक कैसे करें, तीसरी चीज़ अगर आपका पहले ब्लॉक हुआ आपने फिर दूसरी आईडी भी इधर उधर से अरेंज कर ली और उसके बाद दूसरी भी आईडी में से फेसबुक मार्केट प्लेस ब्लॉक हो रहा है। बहुत सारे ऐसे इशू हैं। अगर ये परमानेंट ब्लॉक हो भी रहा है और आपके पास कोई आईडी नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकती हैं? तो आपके अगर इनसे रिलेटेड सवाल हैं, आप इनके जवाब जानना चाहती हैं, तो कंप्लीट वीडियो को आप देखते रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल मैं लेता हूं कि फेसबुक मार्केट प्लेस ब्लॉक क्यों होता है। देखो, फेसबुक ने खुद ऑफिशियली बोला है और बहुत सारी रीजन बताई हैं। उसमें से रीजन मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि जो लोग जितने भी पोस्ट कर रही हैं फेसबुक मार्केट प्लेस पर, वो पहली चीज डायरेक्टली व्हाट्सएप को छोड़कर किसी और चीज का लिंक नहीं दे सकते। आपको बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप और फेसबुक एक ही कंपनी है, ये दोनों एक ही कंपनी है जिन्हें पेरेंट कंपनी बोलती हैं, वो हैं। तो आप अपने व्हाट्सएप का लिंक दे सकते हैं, व्हाट्सएप की प्रोफाइल का यूआरएल, उसे खुद वो अलाउ करते हैं कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस से कस्टमर को व्हाट्सएप पर ट्रांसफ़र करती हैं। लेकिन इसके अलावा आप किसी और चीज़ का लिंक देती हैं, जैसे कि शॉप 101 के स्टोर का लिंक दे देते हैं, एफिलिएट लिंक दे देते हैं, या किसी और टाइप का लिंक दे देती हैं, तो आपके चांस रहती हैं फेसबुक मार्केट प्लेस के ब्लॉक होने के। इसके अलावा आप किसी कस्टमर को 3 घंटे के अंदर मैसेज का रिप्लाई नहीं करते तो आप एक स्कैम की कैटेगरी में आ जाती हैं। अगर आपका कंटिन्यू यही चलता है कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे, कुछ लोग आपको बार बार मैसेज कर रहे हैं फिर भी आप उनको रिप्लाई नहीं दे रहे, उस कंडीशन में भी आपका फेसबुक मार्केट प्लेस आपसे छीना जा सकता है। और जो तीसरी कंडीशन बताई है, जब आपको कोई व्हाट्सएप पे या आपके फेसबुक मार्केट प्लेस से मैसेज आता है तो आप मैसेज में उन्हें बार बार एक ही टाइप के मैसेज भेज रहे हो या बार बार उन्हें लिंक शेयर कर रहे हो, तो भी आपके मार्केट प्लेस के ब्लॉक होने के चांस रहेंगे। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को इकट्ठा डाल रहे हो एक ही पोस्ट में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारी जैकेट है उन सभी के फोटो बना के एक ही में ऐड कर दोगे, डाल दोगे, तो उस टाइम पे भी आपके फेसबुक मार्केट प्लेस के ब्लॉक होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचा है उसके बाद वो रिटर्न वगैरह कराना चाहता है तो आप नहीं करते रिटर्न वगैरह, तो वो आपकी रिपोर्ट कर देता है, वहाँ पे सेलर रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट आपके नाम पर या आपके अकाउंट के नाम पर होती हैं जब भी आपका फेसबुक मार्केट प्लेस ब्लॉक कर दिया जाता है। अब ब्लॉक करने की 2 कंडीशन होती हैं, एक होता है टेम्परेरी ब्लॉक, एक होता है परमानेंट ब्लॉक। टेम्परेरी ब्लॉक में भी 2 कंडीशन होती हैं, एक होता है 7 दिन के लिए ब्लॉक, एक होता है 14 दिन के लिए ब्लॉक। कुछ लोग आपकी रिपोर्ट करती हैं, जो चाहे आपसे प्रोडक्ट खरीदें या ना खरीदें लेकिन आपकी रिपोर्ट करके वहाँ पे चले जाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर किसी को मैसेज करती हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है सेलर रिपोर्ट का, और आप भी कस्टमर रिपोर्ट कर सकती हैं अगर आपको कोई इशू होता है तो जब आप अगर ऐसा करते हो, आपके पास बार बार ऐसी रिपोर्ट आती हैं, ऐसे रिपोर्ट कर देते हैं आपके अकाउंट की, तो वो ब्लॉक हो जाता है। टेम्परेरी ब्लॉक हुआ है 7 दिन के अंदर वो अनब्लॉक हो जाता है, और दूसरा जो 14 दिन के लिए होता है तो 14 दिन बाद अनब्लॉक हो जाता है। कुछ लोगों का परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन परमानेंट ब्लॉक होने से पहले लोगों का 7 और 14 दिन का पहले ब्लॉक किया जाता है। ये बात आपको पता भी नहीं लग पाती, इसकी कंडीशन होती है, डायरेक्ट अकाउंट किसी का ब्लॉक नहीं होता। अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हो तो उसमें आपके अकाउंट को अंडर रिव्यू डाला जाता है, आपकी पोस्ट को अंडर रिव्यू डाला जाता है, आपकी पोस्ट पर व्यूअर कम कर दिए जाते हैं, आपकी पोस्ट पर सिर्फ एक व्यूअर दिखाया जाता है। अगर आप ऐसी चीजें करते हो, जब फाइनली फेसबुक मार्केट प्लेस वाले भी आपकी हरकतों से परेशान हो जाते हैं, जब जाके वो आपके अकाउंट को टेम्परेरी ब्लॉक करते हैं, उसके बाद भी आप नहीं सुधरते तो वो परमानेंट ब्लॉक करते हैं। तो ये रही ब्लॉक होने के रीजन कि भाई क्यों ब्लॉक होती हैं।
अब भाई बात आती है कि अगर 7 दिन के या 14 दिन के लिए ब्लॉक हुआ है तो आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकती हैं रिव्यू के लिए, उसके बाद वो 7 दिन में आपके अकाउंट को अनब्लॉक कर देती हैं। तो ये तो एक बेसिक कंडीशन रही कि हमारा अकाउंट अगर 7 या 14 दिन के लिए रिव्यू में चला गया है या ब्लॉक हो गई है मार्केट प्लेस, तो वो आपके पास राइट है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं और उसके बाद वो अनब्लॉक कर देंगे आपकी फेसबुक मार्केट प्लेस को। अब भाई बात आती है कि जिनकी फेसबुक मार्केट प्लेस ब्लॉक हो चुकी है तो वो लोग क्या करते हैं, किसी और फ्रेंड वगैरह की आईडी मांग लेते हैं जिनके में फेसबुक मार्केट प्लेस होता है, उसके बाद अपने मोबाइल में उस आईडी को ओपन कर लेते हैं, अपने फ्रेंड की को, अपनी को लॉग आउट कर देते हैं, फ्रेंड की को ओपन कर लेते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, 6 दिन 7 दिन, उसके बाद वो आईडी डायरेक्ट ब्लॉक हो जाती है या उसमें से फेसबुक मार्केट प्लेस ब्लॉक हो जाती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? अगर किसी की भी फेसबुक मार्केट प्लेस ब्लॉक की जाती है वो उस मोबाइल के बेस पर ब्लॉक की जाती है कि जिस मोबाइल में वो ओपन है तो उसमें ब्लॉक की है, और उसके बाद अगर आप उसी मोबाइल में जिसमें पहले कभी आईडी ब्लॉक की गई है उसी मोबाइल में दोबारा किसी की फेसबुक आईडी ओपन करते हो और अगर उसमें फेसबुक मार्केट प्लेस है तो वो भी कुछ दिन में ब्लॉक हो जाता है। तो या तो आपको अपना मोबाइल रीसेट करना होगा जब आपको कोई नई आईडी ओपन करनी है, या आपको किसी दूसरे मोबाइल में नई आईडी यूज करनी है, वरना उसका भी मार्केट प्लेस ब्लॉक हो जाएगा। अब भाई बात आती है कि जिनका मार्केट प्लेस ब्लॉक हो गया है और उनके पास कोई दूसरा मार्केट प्लेस है भी नहीं, तो वो लोग अब क्या करें? तो इसका भी मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि पहली चीज, अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस यूज कर रहे हो, आपका ब्लॉक हो गया है, आप पर कोई चॉइस नहीं है, आपका कोई फ्रेंड आईडी दे नहीं रहा, तो आप पहली चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आपकी कोई पुरानी आईडी ऐसी हो जो 2015 से पहले की हो। हर किसी की पुरानी कुछ ना कुछ आईडी होती हैं जब स्टार्टिंग में बनाते हैं, तो अगर आपके पास कोई आईडी है तो अपने फ़ोन को रीसेट मार के उस आईडी को उस फ़ोन में ओपन करिए, पुरानी सभी आईडियों में फेसबुक मार्केट प्लेस अवेलेबल है। अब दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई आईडी नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करो, उससे पूछो कि पुरानी कोई आईडी उसके पास हो जो ब्लॉक बंद कर दी हो, वो काम उस पर काम नहीं करता हो, ओटीपी कर निकाल के फॉरगेट पासवर्ड करके उसको रिकवर किया जा सकता है पुरानी आईडी को, तो आसानी से रिकवर हो जाएगी, तो आप उनकी आईडी ले सकते हो पुरानी वाली, तो वहाँ से ऐसे रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा, आप पुरानी लेने के बाद अच्छे से पोस्ट कर सकते हो। अब भाई बात आती है कुछ चीज़ें फेसबुक मार्केट प्लेस की गलत भी हैं कि बिना रीजन के भी ब्लॉक हो जाती हैं आईडी। अगर हमारी ब्लॉक हो गई, हमारा फ्रेंड देने के लिए तैयार नहीं है, हमारी कोई आईडी नहीं है, हमारी फैमिली मेम्बर देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो आपका फेसबुक मार्केट प्लेस का ये मान लो कि दरवाज़ा पूरा क्लोज हो गया कि वो कहीं से भी नहीं मिल सकती, तो इस कंडीशन में अब हम क्या करें? तो इसका मैं सीधा सा समाधान बताऊंगा कि फेसबुक मार्केट प्लेस के जितने अल्टरनेटिव हैं उनको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले आप अपनी एक वेबसाइट बना सकती हैं जहां पर आप मीशो, ग्लोरोड, हाईवॉस के प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए लगा सकती हैं, और वहां से कस्टमर आपके पास आएंगे और आप उनसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है OLX, आपको पता है OLX एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप अपने पोस्ट डालिए और उसके बाद कस्टमर को अपने व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसके अलावा आपको गूगल में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे जो शॉपिंग से रिलेटेड है, आप उन ग्रुप को ज्वाइन करिए और उन ग्रुप के मेंबर्स को पर्सनली अपने ग्रुप का लिंक शेयर करिए, अपना खुद का एक ग्रुप बना लीजिए और उनको सेल करने की ट्राई करिए। इसके अलावा आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम है तो आप उस पर प्रमोशन करिए, अपने प्रोडक्ट डालिए और उसके बाद थोड़ा पेड प्रमोशन चला दीजिए अच्छे से, तो वहाँ पे आपके फॉलोवर्स वगैरह आ जाएंगे, तो वहाँ से भी सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप टिकटॉक पर वीडियो बना सकते हैं, प्रोडक्ट के फ़ोटो से वीडियो बनाना मैंने आपको सिखाया है, और उसके बाद आप नीचे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं जिससे जो लोग इंटरेस्टेड हों उन प्रोडक्ट को ख़रीदने में तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। इसके अलावा आप स्लाइड वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपना लिंक दे सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक दे सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे क्योंकि भाई लाइट चली गई और बिना लाइट के कोई फ़ायदा नहीं वीडियो बनाने का। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी जो राय हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसी वीडियो आगे भी पाने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।